नमस्कार, मैं डॉक्टर विभा चुग सरस्वती मिशन हॉस्पिटल पिहोवा कुरुक्षेत्र हरियाणा से आप सबके साथ कोरोना वायरस यानी कि COVID-19 इन्फेक्शन पेंडेमिक जो कि आजकल ग्लोबल इमरजेंसी घोषित हो गई है के तहत चल रहे लॉकडाउन पीरियड में गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ विशेष सावधानियों को लेकर कुछ विचार साझे कर रही हूँ। गर्भवती महिला वैसे तो किसी एक नॉर्मल व्यक्ति के मुकाबले में ज्यादा रिस्क पर नहीं होती, पर फिर भी अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष सावधानियां बरतनी उनके लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले उन्हें अपना इम्यून रिस्पॉन्स बना के रखना है। इम्यून रिस्पॉन्स मायने बीमारी से लड़ने की शक्ति, जिसके लिए उन्हें अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है, जिसमें हाई प्रोटीन डाइट, ताजे फल सब्जियों का सेवन करना है, जिससे उनके हीमोग्लोबिन और विटामिन्स की लेवल बने रहे। जरूरत पड़ने पर डाइटरी सप्लीमेंट्स भी लेते रहना चाहिए। अपने शरीर में पानी की मात्रा का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमें पानी, खूब पानी और तरल पदार्थ लेते रहना चाहिए। दूसरे नंबर पर, जैसे कि सरकार की हिदायत है, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग मायने एक से दूसरे व्यक्ति में 1 से 1.5 मीटर की दूरी बनाए रखना। घर से बाहर बहुत ही आवश्यक हो तो जाना है, नहीं तो जाना अवॉइड करना चाहिए। बाहर जाते समय उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड करनी चाहिए, सार्वजनिक स्थानों पर जाना अवॉइड करना चाहिए। अगर जा रहे हैं तो जाते हुए मुंह और नाक को किसी साफ कपड़े से ढक लें, या फिर सर्जिकल मास्क से ढक लें, या फिर N95 मास्क से ढक लें। तीसरे नंबर पर अपनी और अपनी हैंड हाइजीन का स्पेशल ध्यान रखना है उनको। उसके लिए उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में दरवाजे के हैंडल, कुर्सी, मेज या कोई भी अन्य वस्तु को हाथ लगाने के बाद हाथों को कम से कम 20 सेकंड साबुन से धोना है। पानी और साबुन की कमी के रहते उन्हें 60% एल्कोहल के हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ करना है। बहुत ही आवश्यक हो तो डॉक्टर के पास जाएं। यदि उनको कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो, खांसी, जुकाम, गला खराब, बुखार, तो अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अपना ध्यान अवश्य रखें। धन्यवाद।